दोस्तों, वेलकम टू टेन अल्फा। मैं हूं तीर्थराज। पिछली वीडियो में आपने देखा कि इंजन सिलेक्शन कैसे करते हैं। अब इस वीडियो में हम देखेंगे 3D चेसिस कैसे बनाएंगे, जो कि हम सॉलिडवर्क्स का यूज करके बनाने वाले हैं। तो मैं आपको चेसिस का ड्राइंग दिखाता हूं। तब तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कीजिए। यह है हमारे चेसिस का ड्राइंग, जो कि यहाँ पे मैंने जितने भी हो सके डायमेंशन दे रखे हैं। तो आपको मैं एक बात बताऊं, हमने जो चेसिस बनाई तो चेसिस को हमने 3D प्लेन में रखने की कोशिश की है, जिसका मतलब है हमने ये जो दो मेंबर्स है ये ऊपर की तरफ रखे हैं, बाकी के सारे मेंबर्स एक ही प्लेन में है, पर ये दो है जहाँ पे फ्रंट टायर माउंट्स होंगे आपके सी क्लैंप को, वो दो मेंबर्स है वो ऊपर रखे है, जिसकी वजह से आपकी कार का पूरा वेट जो नीचे हो जाता है और उसकी वजह से आपको डायनेमिक इवेंट्स में स्टेबिलिटी मिलती है कार को। अब इसके बाद चलो हम शुरू करते हैं कार्ट को बनाने में। अब ये जो है ये डायमेंशंस में से ये जो तीन मेंबर है, ये दो और ये तीन, ये पहले बनाएंगे हम, जो कि एक ही प्लेन में है, वो कि टॉप प्लेन में। तो हम यहाँ पे ये हमारे पास तीन प्लेन है, फ्रंट प्लेन, टॉप प्लेन और राइट प्लेन। यहाँ पे हम टॉप प्लेन पे स्केच बनाएंगे। पहले आप सेंटर लाइन लो, ये जो सेंटर लाइन ली, इसके ही बाजू में एक रॉ स्केच बनाओ, क्योंकि कुछ वैसा ही दिखे जैसे हमारे कार्ड का वो मेंबर है। उसके बाद हमें डायमेंशंस पता है, आपके पास ये ड्राइंग है, यहाँ पे ये जो डायमेंशन है वो दे देते हैं हम इसी मेंबर को। ये जो डायमेंशन है मैंने सेंटर लाइन से ही लिए हैं, तो आपको वही डायरेक्टली डायमेंशन देने हैं, तो मैं ये डायमेंशन दे देता हूँ। अब देखिए, ये जब तक स्केच पूरा ब्लैक नहीं हो जाता, आपका स्केच फुल्ली डिफाइंड नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं आपका स्केच फुल्ली डिफाइंड नहीं है, ये जो हिल रहा है इधर उधर, इसका मतलब आपने अभी डायमेंशंस पूरे नहीं दिए, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा कि आपका स्केच पूरा फुल्ली डिफाइंड हो। तो ये हो गया आपका एक चेसिस का रॉ स्केच। यहाँ पे आप फिलेट देना चाहेंगे, क्योंकि हम जब स्वीप फीचर यूज करेंगे इसके लिए तो वो वर्क भी होना चाहिए, और आप जैसे पाइप को बेंड करते हैं वैसे ही इसको बेंड आना चाहिए। तो हमने यहाँ पे 76 का रेडियस रखा था बेंडिंग के लिए, तो वही मैंने यहाँ पे डाल दिया है। ये हो गया आपका एक स्केच। आपके पाइप का प्रोफाइल होता है, ये उसी प्रोफाइल को इसके ऊपर स्वीप करना है। स्वीप के लिए एक प्लेन लेना होगा हमें, एक प्लेन के लिए दो रेफरेंस पॉइंट चाहिए, जो कि हमने अभी दिए, एक लाइन और ये एक पॉइंट दे दिया, और इस प्लेन पे हम अब स्केच बनाएंगे। आप कंट्रोल एट दबा सकते हैं या फिर ये ऑप्शन यूज कर सकते हैं, जिसको डायरेक्टली आपको उसी प्लेन में ले जाएगा। अब यहाँ पे ये होगा आपका, हमने 25.4 mm का पाइप लिया था, जो कि 1 इंच होता है और 2 mm उसकी थिकनेस थी, जो मैंने अभी डायमेंशन दे दिए हैं, और इसी प्रोफाइल को हम उस पिछले वाले ड्राइंग पे स्केच स्वीप करेंगे। तो ये फीचर यहाँ पे एग्जिट हो, यहाँ पे स्वीप करो। स्वीप करने के लिए हमें दो स्केचेस चाहिए होते हैं, एक प्रोफाइल का स्केच और एक पाथ उसके लिए जो चाहिए। अब ये पाथ में सिलेक्ट कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ। ये हो गया है आपका पहला मेंबर। अब चलो अभी दूसरा मेंबर बनाना है हमें, तो फिर से टॉप प्लेन पे जाओ, वही पे स्केच बनाना है हमें, वही पॉइंट सेंटर लाइन और इस साइड को स्केच बनाना है। मैं वही डायमेंशंस फिर से दे रहा हूँ, अब ध्यान में रखिए कुछ मिस ना करें आप। तो दोस्तों, जब जितना भी आप शॉर्टकट्स की यूज करेंगे वाइल डिजाइनिंग और वाइल मेकिंग एनीथिंग ऑन सॉलिड वर्क्स, वो आपका बहुत टाइम सेव करेगा। बाद में एक की पॉइंट बताऊंगा जो कि आपको बहुत फायदेमंद होगा। हमने बना लिया है स्केच, आप देख सकते हैं अभी यहाँ पे रेडियस रह गए, रेडियस दे देता हूँ मैं दोनों 76 76। अब एक्सिट कर दिया, फिर से अभी आपको प्लेन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यही प्लेन हम यूज कर सकते हैं। फिर सिर्फ हमें वहाँ पे स्केच बनाना है इस पॉइंट को सेंटर रख के, तो ठीक है हम बना देते हैं। ये देखो, ये है हमारा पॉइंट, वो हमने दे दिया है।
अब यहाँ पे इसको भी स्वीप कर देते हैं। स्वीप के लिए ये प्रोफाइल और ये पाथ हमने सिलेक्ट कर दिया, ये हो गया हमारे दो मेंबर्स। तो दोस्तों ये दो जो मेंबर्स है वो बन गए हैं। अब हम बनाएंगे वो पीछे वाला मेंबर जो हमने देखा था, ये मेंबर्स, ये हम अभी इसको बनाने को स्टार्ट करते हैं। अब आपको कोई भी स्वीप करने की जरूरत नहीं है अनलेस यू गो फॉर द दिस मेंबर, बिकॉज स्वीप आप जब यूज करेंगे तो बेंड जब होंगे तभी यूज करें। अभी आप एक्सट्रूड से ही काम बना सकते हैं सभी, तो जितना जल्दी हो सके उतना वो आपका स्केच पूरा कर दें। हमें राइट प्लेन पे बनाना था स्केच, ताकि आप यहाँ पे डायरेक्टली स्केच बना सकते हैं आपके प्रोफाइल का। तभी हम इसको डायमेंशन देके उसके बाद हम डायरेक्टली एक्सट्रूड कर देंगे, हमारा पीछे वाला मेंबर बन जाएगा। ये जो है हमारा अभी बनाया हुआ स्केच है, तो इसको हम एक्सट्रूड कर देते हैं दोनों तरफ। आपको पीछे वाला डायमेंशन पता था, फिर भी उसको पाइप के डायमेंशन से ऐड कर दीजिए और यहाँ पे मिड प्लेन सिलेक्ट कर दीजिए। आपको जितना चाहिए उतना प्लेन पाइप बन जाएगा डायरेक्टली। आप इसको थोड़ा सा ज़्यादा रखिए, कॉन्फ्लिक्ट नहीं क्रिएट करेगा वो, थोड़ा सा ज़्यादा रखिए 2 mm या 3 mm को, तो रख दिया यहाँ पे। इसके ये जो कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा सॉलिडवर्क्स के लिए वो नहीं होगा। अब तो चलो हमने ये मेंबर भी बना लिया है, अब हम जाएंगे आगे वाले मेंबर्स को। अब ये जो मेंबर्स बनाने हैं इसके लिए आपको यहाँ पे 63.5 mm ऊपर रखे हैं और ये जो उसके लिए डायमेंशंस भी है। तो हमें क्या करना है, इसके लिए 3D स्केच की ज़रूरत पड़ेगी। और जब 3D स्केच बनाओगे उससे पहले हम एक कंस्ट्रक्शन स्केच बना लेते हैं, उस जो कि हमें 3D स्केच बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। उसके लिए अब चलो प्लेन लेते हैं। पहले यहाँ पे हम एक 127 पे आगे की तरफ से यहाँ पे एक प्लेन लेंगे, जो कि हमें कंस्ट्रक्शन स्केच बनाने के लिए फायदेमंद होगा। एक प्लेन सिलेक्ट कर देता हूँ, यहाँ से 127 mm पे मुझे अपोजिट साइड पे एक प्लेन चाहिए। ये जो प्लेन हमने ले लिया है इस पर हम एक स्केच बना देते हैं जो कि हमारा कंस्ट्रक्शन स्केच होगा। तो ये जो स्केच है हमें बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है। इसको हमने 63.5 पे रखा था, आप 64 रखते थे हम यहाँ पे आपको दिखाने के लिए। ये जो है और इसका डायमेंशंस हमें पता है आगे का, वो 203 है। अब ये पॉइंट हमें फिक्स मिल गया है जो कि इधर ही होने वाला है, जो कि ये पॉइंट होगा चेसिस मेंबर का। हमें ये दो एक पॉइंट मिल गया है, इसका मतलब आप दूसरी तरफ भी ऐसा ही स्केच मिरर कर सकते हैं। इससे आपको दोनों तरफ के दोनों पॉइंट मिल जाएंगे। अब आपके पास दोनों पॉइंट्स है, इसे शो कर सकते हैं आप यहाँ से। ये देखो ये दोनों पॉइंट्स अब आपके पास है, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं आपको 3D स्केच बनाने के लिए। अब आपको जो ज़रूरत है वो है यहाँ पे ये जो मेंबर है हमारे पास, इसके लिए भी हमें आप कंस्ट्रक्शन स्केच बनाना होगा, जो कि हम अभी बनाएंगे। और ध्यान में रखिए ये जो लाइन है ये सिमेट्रिक रहे दोनों तरफ सेंटर लाइन के। इसके लिए मैं सिमेट्री का कंस्ट्रेंट दे देता हूँ उस लाइन को, और अब इसको डायमेंशन दे देते हैं। अब हमारे पास ध्यान में रखिए ये कंस्ट्रक्शन लाइन हो, क्योंकि ये बाद में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करेगा। अब हमारे पास जो भी ज़रूरत है 3D स्केच बनाने के लिए वो है हमारे पास। हमने ये कंस्ट्रक्शन स्केच बनाए हैं, अब देखते हैं कैसे हम 3D स्केच बना के उसको प्रोफाइल में कन्वर्ट कर देंगे। 3D स्केच लो, यहाँ पे लाइन चाहिए हमें। अब हमें 4 पॉइंट्स पे जाना है, 1, 2, 3 और ये 4। अब देख सकते हैं मैंने पूरा का पूरा मेंबर का सेंटर लाइन बना लिया है। अब इसको मैं रेडियस दूंगा। तो इसके बाद हम जैसे हमने पिछले मेंबर को किया था, इन दो मेंबर्स को हमने प्रोफाइल क्रिएट करके स्वीप कर दिया था, अब वही हम करने जा रहे हैं इसके साथ। इसके लिए हमें फिर से प्लेन लेना होगा। प्लेन के लिए एक लाइन और उसका पॉइंट सेलेक्ट कर देते और इसी प्लेन पर अब स्केच बना देते। प्लेन में शो कर देता हूँ जल्दी होना। तो गाइस आप देख सकते हैं ये जितने आप शॉर्टकट कीज यूज करोगे बहुत फायदेमंद होता है। मैं बार बार यही बता रहा हूँ, ये स्केच और इसके लिए ये पाथ होगा और ये हमारा मेंबर बन गया है। तो आप देख सकते हैं हमने वो 3D वाला मेंबर भी बना लिया है।
अब हम उसके स्टिफनर्स बनाएंगे, जो कि ये दोनों मेंबर्स है वो हम बनाएंगे। उसके लिए आप इन दोनों स्केचेस पे एक एक पॉइंट लो ऐसे, जो कि मैंने पहले ही ले लिया है। ये देखो, ये जो पॉइंट्स है ये पहले ही ले सकते हो आप, या फिर आप ऐसे पॉइंट सेलेक्ट करके या फिर रख दो और उसको डायरेक्टली डायमेंशन दो। ये दोनों स्केचेस के लिए किया है मैंने, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा हमें यहाँ का 3D स्केच बनाने के लिए। फिर से आप 3D स्केच में जाओ, तो ये हमने एक स्केच बना लिया है, इस पर हम प्लेन ले लेते बार। और हमें यहाँ पे, आप यहाँ पे एक्सट्रूड भी यूज कर सकते हो। मैं आपको दिखाने के लिए क्लिक कर रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा मैं ट्राई कर रहा हूँ कि उधर क्लिक्स हो, शॉर्टकट से डायरेक्टली स्किप ना कर दो कोई स्टेप। ये देखिए, ये मर्ज होना चाहिए, हमेशा याद रखे ये मर्ज का बटन है वो हमेशा टिक रहे, इसकी वजह से आपका जो ये मेंबर है वो पूरा का पूरा मर्ज रहेगा और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी बाद में जब आप एनालिसिस कर रहे हो किसी सॉफ्टवेयर पे या कोई भी प्रोसेस आफ्टर प्रोसेस कर रहे हो चेसिस को स्ट्रेंथ के लिए एनालिसिस करने के लिए, तो उसके लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर मर्ज नहीं होगा तो आपको वो गलत रिजल्ट दिखाएगा, जो कि बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। इस तरफ भी वैसे ही कर लेते हैं। और देखो दोस्तों, आप इसमें मेंबर्स ऐड भी कर सकते हो, जहाँ पे आप अभी आप देख लिया है अपने कैसे स्वीप फीचर्स का यूज करके आप मेंबर्स ऐड कर सकते हो। और यही मेथड है जहाँ पे आप ज़्यादा से ज़्यादा इजीली मेंबर्स ऐड कर सकते हो, मतलब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी ज़्यादा मेंबर्स ऐड करने में या फिर क्रिएट करने में, जैसे कि मैंने आपको दिखाया है अभी सारे मेंबर्स। तो अब आप देख सकते हैं कि हमने सिर्फ आउटर के सारे मेंबर्स बना लिए हैं। तो हम अब आगे बढ़ेंगे और इस मेंबर को बनानेंगे, जो कि है इंजन के नीचे का पार्ट। यहाँ पे हमने ये मेंबर ऐड किया है इसीलिए, जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ देता है इंजन के साइड को। जब आपके कार्ट पे ड्राइवर नहीं होगा तो सिर्फ आपके कार्ट पे इंजन का वेट ज़्यादा होने वाला है, मतलब इस साइड को बहुत ज़्यादा वेट होने वाला है आपके कार्ट पे, और वो हमेशा रहेगा। इसके वजह से आपकी कार्ट बेंड हो सकती है, चेसिस को बेंड आ सकता है, तो इसीलिए हमने ये मेंबर ऐड किया है, वो स्ट्रेंथ देगा चेसिस को। तो चलो उसे बनाते हैं कि सारे मेंबर्स टॉप प्लेन पे ही होने वाले, तो ध्यान में रखिए कि आप कोई भी, मतलब ये कॉन्फ्लिक्ट करता है अगर आप, मतलब आपको स्केच को पूरा का पूरा डिफाइन रखना है हमेशा। 122 था यहाँ पे डायमेंशंस, आप देख सकते हैं, ये देखिए मैंने डायमेंशंस दे दिया है। ओके, तो मैं फिर से पीछे वाले प्लेन को यूज कर देता हूँ, जो कि हमने पहले इस फीचर के लिए बनाया था, तो मैं इसी को यूज करके उस प्लेन पे स्केच बना देता हूँ। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, हमेशा सब्सक्राइब करो और बेल आइकन पे क्लिक किया करके रखो, ताकि हम अगले वीडियो जब डालें तो आपको जल्दी से जल्दी पता चले। तो यहाँ पे हमने अभी ये कर दिया है, हम इसको एक्सट्रूड कर देते हैं। ये देखो, ये मेंबर भी ऐड कर दिया है हमने। तो अब सिर्फ बचे हैं हमारे 3 मेंबर्स, 1, 2 और 3। ये जो स्लैंटेड है उसे पहले बना लेते हैं, एक स्केच बनाना पड़ेगा, उसके लिए प्लेन भी लेना पड़ेगा। जो स्ट्रेट मेंबर्स होते हैं उनके लिए आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। 229 था यहाँ का डायमेंशन, आप देख सकते हैं डायमेंशन 229 है, यहाँ पे 279 देने वाला हूँ। और इससे आपको ये जो क्रॉस रखा है मेंबर, हमने जानबूझकर स्लैंटेड रखा है, क्योंकि यहाँ पे इंजन जब माउंट होगा तो यहाँ हम चाहते थे कि पूरा का पूरा जो मतलब लोड आने वाले वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाए पूरे चेसिस पे, और इसीलिए हमने इस मेंबर को स्लैंटेड रखा है। फिर से एक बार आपको प्रोफाइल बनानी है आपके पाइप की। अब देखो, आपका स्लैंटेड मेंबर भी बन गया है। अब इस प्लेन को कोई ज़रूरत नहीं, हाइड कर सकते हैं जिन प्लेन की आपको ज़रूरत नहीं है। ये लगेंगे हमको, आपको बाद में पता चलेगा क्यों लगेंगे ये। अब हम बनाएंगे ये जो दो क्रॉस मेंबर्स है, और वो इजीली बन जाएंगे, आपको कोई भी मतलब ज़्यादा प्लेन लेना पड़ नहीं पड़ेगा। सिर्फ राइट प्लेन पे जाओ और स्केचेस बनाओ आपके प्रोफाइल के। ये देखो, ये मैंने बना लिया है, हमें यहाँ से डायमेंशन देना है इसको पीछे से, जो 420 रखा है हमने। इसको एक्सट्रूड कर देता हूँ मैं, यहाँ पे आपको जितना ज़रूरत है उतना ही एक्सट्रूड कर सकते हैं आप। और यहाँ पे डायरेक्शन 2 सिलेक्ट करिए। हमने अभी ये दो मेंबर्स भी बना लिए, अब रह गया है एक मेंबर जो हम अभी बनाने वाले हैं।
फिर से आपको राइट प्लेन पे जाना है और यहाँ पे एक स्केच बनाना है। और ध्यान में रखिए, ये जो स्वीप का वो मैं बहुत टाइम से यूज कर रहा हूँ, इसीलिए मुझे ये बहुत ईजी लगता है कि आप कोई भी मेंबर बना सकते हो, ऐसे प्लेन लेके स्वीप कर सकते हो। पर एक्सट्रूड ज़्यादा इजी होता है, मिड प्लेन ले सकते हो, यहाँ पे एक ही स्वीप में डायरेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये दोनों तरफ सेम सेम डायमेंशन थे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं हमने सारे मेंबर्स बना लिए हैं पूरे के पूरे। और जैसे कि हमने पहले ही कहा था, वो 3D वाला पार्ट भी हमने बना लिया है चेसिस का, और मैंने डिटेल में बता दिया आपको क्या करना था। और जो रह गया है अब वो है, आप ये जो शॉर्ट एक्सट्रूडेड पार्ट्स है आपके जो ज़्यादा हो गए हैं आपके चेसिस में, आप इनको रिमूव कर सकते हैं। ऐसे प्लेन डायरेक्टली पाइप के प्लेन पे स्केच कीजिए और यहाँ पे कन्वर्ट एंटिटीज के ऑप्शन होते हैं, कन्वर्ट एंटिटी सिलेक्ट कीजिए और एक्सट्रूडेड कट करके आप पूरे के पूरे वो पार्ट है वो निकाल सकते हैं। ये देखिए आपका एक जो पाइप है हॉलो हो गया है, वो भी जो एक्स्ट्रा था मटेरियल हो गया था वो भी निकल गया है। तो दोस्तों, हमने देखा कैसे हमने अभी 3D चेसिस बनाई सॉलिडवर्क्स की मदद से। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी दिक्कत हो, आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर किसी ने अब तक सब्सक्राइब ना किया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड बेल आइकन प्रेस कीजिए, सो दैट आप कोई भी अगली वीडियो मिस नहीं करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में जल्दी। थैंक यू। से पहले ये 240 सगळं बघाडून